नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। सीधी जिले के धान खरीदी केंद्र बघवार में अमानक धान पाए जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल एवं कलेक्टर सीधी द्वारा संयुक्त जाँच टीम गठित कर जाँच कराई गई। जाँच टीम ने धान खरीदी केंद्र बघवार एवं स्लोक गोदाम रामपुर में रखी अमानक धानों का परीक्षण किया, जिसमें 13% धान अमानक पाई गई। धान की बोरियों में धान की बूसी, बालू, पत्थर भी पाए गए। जानकारी के अनुसार भोपाल एवं सीधी के जांच दलों द्वारा सर्वप्रथम स्लोक गोदाम रामपुर नैकिन में रखी धान का परीक्षण किया है। इसके बाद हनमते महिला स्व सहायता समूह धान खरीदी केंद्र बघवार की पाई गई अमानक धान का परीक्षण किया। इसके बाद धान खरीदी केंद्र बघवार पहुंचकर वहां रखी धानों का परीक्षण किया गया, जिसमें 13% धान अमानक पाई गई एवं धान के बोरों में धान की बूसी, रेत एवं छोटे पत्थर भी पाए गए। यही नहीं, धान खरीदी केंद्र बघवार से गोदाम भेजी गई धान का वजन भी काफी कम पाया गया। कई कई बोरियों का वजन 30 से 33 किलो पाया गया था, जिसके कारण उक्त खरीदी केंद्र के द्वारा अब तक भेजी गई धान में 95 क्विंटल धान कम पाई गई थी। धान खरीदी केंद्र बघवार में अमानक पाई गई धान का परीक्षण करने भोपाल, सतना एवं सीधी के विशेषज्ञों की टीम धान खरीदी केंद्र बघवार एवं स्लोक गोदाम रामपुर नैकिन में रखी धानों का परीक्षण किया, जिसमें व्यापक पैमाने पर धान अमानक पाई गई। इस संबंध में भोपाल से आए आरबी एसोसिएट के रीजनल कोऑर्डिनेटर सकील ने बताया कि शासन द्वारा क्षतिग्रस्त एवं बदरंग धान अमानक की सीमा 5% तय की गई है। यहां 13% धान अमानक पाई गई। अधिकांश धान कार्बनिक मापदंड 1% के स्थान पर 4%, अकार्बनिक 1% के स्थान पर 5.5%, क्षतिग्रस्त बदरंग अंकुरित एवं घुने दाने 5% के स्थान पर 13%, अपरिपक्व कुम्भलाहे एवं सिकुड़े दाने 3% के स्थान पर 7.2% अमानक पाए गए। आरबी एसोसिएट सर्वेयर अनूप कुमार प्रजापत ने कहा कि धान खरीदी केंद्र बघवार से स्लोक गोदाम के लिए जो धान भेजी गई थी, उसमें 1200 बोरी अमानक धान अभी भी गोदाम में रखी हुई है, जिसमें काफी मात्रा में भूसी, रेत, बालू की मात्रा पाई है। रविवार को भोपाल, सतना, सीधी के विशेषज्ञों द्वारा अमानक धान का परीक्षण किया है, जिसमें 13% धान अमानक पाई गई। जांच टीम में आरबी एसोसिएट भोपाल के रीजनल कोऑर्डिनेटर सकीर, निरीक्षक अविनाश सिंह परिहार सतना, जिला सुपरवाइजर अखिलेश साहित्य एवं जिले के नागरिक आपूर्ति निगम एवं मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अधिकारी शामिल रहे। दो ट्रक माल है, तो इसको चेक करने पर पाया कि ये बाकी में अमानक है और उसकी रिपोर्ट बनाई गई है। डैमेज, डिसकलर, स्प्राउटेड जो है, इसका परसेंट जो शासन ने निर्धारित किया है वो 5% है, लेकिन इसमें 13% पाया गया। और कार्बनिक, अकार्बनिक भी भारी मात्रा में पाया गया है, लगभग कार्बनिक 4% और अकार्बनिक भी लगभग इसी के समथिंग पाया गया है, जबकि इसकी लिमिट 2-1% है।